नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। कहा जाता है कि आग लगती है तो धुआं उठता है, बात होती है तो दूर तलक जाती है। कुछ ऐसा ही कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी एक और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता किरण चौधरी का तीखा बयान आया है सामने। जी हां, कांग्रेस नेता किरण चौधरी का तीखा बयान, बेबाक बयान। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान पर साधा निशाना और साथ में उन्होंने एक बात भी कही कि मेरा धड़ा भी कांग्रेस को मजबूत कर रहा है। यानी जो कांग्रेस में बात होती है धड़ों में बंटने की, कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कई धड़ों में बंटी है, तो उस बात का जिक्र आज खुद अपनी जुबान से किरण चौधरी ने कर दिया कि दूसरे धड़े को भी लगे कि उनकी आवाज मजबूत है। मैं कांग्रेस को मजबूत कर रही हूं, मैं कांग्रेस के लिए काम कर रही हूं, मेरा धड़ा भी, हमारा धड़ा भी। इस तरह का उनका बयान था कि वो भी काम कर रहा है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। किरण चौधरी का बड़ा बयान, जो बार बार जिक्र होता है धड़े का, उस बात का जिक्र किरण चौधरी की जुबान से। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा किरण चौधरी ने। तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की मुहिम जो है मैंने शुरू करी है, क्योंकि ताकि एक तरफा पूरा काम ना रहे, दूसरा धड़ा भी जो है उसको भी ये लगे कि हाँ हमारी भी आवाज है, और वो आवाज को आगे बुलंद करने के लिए मैं निकली। और इसी तहत ये मेरे ख्याल में आठवां जिला है हमारा, आठवां प्रोग्राम है सारी जगह जहां हम जा रहे हैं। दूसरा धड़ा भी कांग्रेस को मजबूत कर रहा है, दूसरे धड़े को भी ये लगे कि हमारी भी आवाज है, उस आवाज को बुलंद किया जा रहा है, ये उनका बयान। अब एक और बड़ा बयान किरण चौधरी का, और कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं पार्टी में रहूं, कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं पार्टी में रहूं। बीजेपी में जाने के सवाल पर भी किरण चौधरी ने कहा कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, कहीं नहीं भागने वाली। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से मेरे शुभचिंतक हैं जो नहीं चाहते कि मैं पार्टी में रहूं, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं कांग्रेस में ही रहूंगी, कांग्रेस के लिए काम करूंगी। किरण चौधरी का एक और बड़ा बयान। और तो आते हैं और जाते हैं, अब जो है विधानसभा के अंदर एक एमएलए होने के नाते सबसे ज्यादा मुखर होकर मैं आगे बोलती हूँ, समस्याएं जो हरियाणा की हैं उनको उठाती हूँ, और जो मेरे पास अपनी बात लेकर आता है उसको मैं आगे करती हूँ। तो मेरा काफी पार्टी के अंदर मेरे बहुत सारे शुभचिंतक बैठे हैं जो ये चाहते हैं कि मैं निकलूं, बाहर भागूं। ये है, उनके दिमाग में चलता रहता है ये, और ये जो है, लेकिन मैं बार बार ये बात कह चुकी हूं कि इन चिंतकों को मालूम होना चाहिए कि किरण चौधरी जो है भागने वालों में से नहीं है। और एक और बड़ा बयान किरण चौधरी का, पार्टी के अध्यक्ष पर, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर उन्होंने आरोप लगाया, बड़ा आरोप, पार्टी में एक तरफा काम हो रहा है। कुमारी शैलजा की तारीफ की कि कुमारी शैलजा सबको साथ लेकर चलती थी, अध्यक्ष का काम होता है सबको साथ लेकर चलना। संगठन को लेकर उन्होंने कहा कि उदय भान ने मुझसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया, एक विधायक के तौर पर मुझसे नहीं पूछा। साथ में उन्होंने ये कहा कि मैंने भी उदय भान को अध्यक्ष बनाने के लिए समर्थन किया था। किरण चौधरी का एक और बड़ा बयान, कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी की बातें होती हैं, जो गुटबाजी का जिक्र होता है, उन बातों का एक तरीके से ये सबूत है किरण चौधरी के बयान। मैं कहना ये चाहती हूँ कि पार्टी अध्यक्ष जो है उसका दायित्व बनता है कि वो सबको लेकर चले, ना कि वो एक तरफा काम करे। ये काम होता है, और पार्टी अध्यक्ष को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करवाने पड़ते हैं। ये अध्यक्ष की बात होती है, जो ऊपर आदमी बैठता है ये उसका काम होता है, ये किसी और का काम नहीं होता। तो किस तरह से जोड़ना है, किसको बुला के जो है सलाह मशवरा करना है, सबको बिठाओ, सबको मिलाओ, ये काम पार्टी अध्यक्ष का होता है, किसी और का नहीं होता। अगर पार्टी अध्यक्ष की तरफ से ही अगर नहीं बुलाया जाएगा, कोई बात नहीं होगी, तो बिखराव होगा ही। कि ये काम प्रदेश अध्यक्ष का होता है कि वो सबको बुलाए और सबसे सलाह मशवरा करे। एक तरफा जो है अगर जब काम होता है तो बाहर जो लोग देखते हैं वो फिर समझ जाते हैं कि ये तो एक तरफा काम हो रहा है, वो अच्छा नहीं होता। और उनको हमारे साथ बस थोड़ा सा बयान रह गया, तारीफ भी की उन्होंने उदय भान जी आपकी, और बयान भी उनका, एक बस थोड़ा सा बयान है वो सुनकर मैं आपके पास आता हूं।
इसके टाइम के लिए फॉर जींद का जो इलेक्शन था, लेकिन शैलजा जी तो थी ना एलनाबाद के चुनाव में। शैलजा जी ने सबको बुलाया, मीटिंग हमारी हुई, उस मीटिंग के अंदर सारे सीनियर नेता आए, सबसे सलाह मशवरा करा गया। अल्टीमेटली सीट और जो है जिसको लड़ाना है नहीं लड़ाना है वो तो हाईकमान का फैसला है, सब अपना अपना इनपुट देते हैं। जिस दिन अध्यक्ष बने थे उस दिन मेरे घर फूल लेकर जरूर आए थे और मैंने चाय पिलाई थी, बड़े इज्जत मान सम्मान मैंने दिया था क्योंकि उस पद की गरिमा है। और मेरा तो उनसे कोई निजी तो मेरे से उनके खिलाफ कोई बात ही नहीं है। और क्या कहते हैं, हम तो उनमें से थे जिन्होंने इनकी हाँ करी थी कि हाँ इनको बनने। और नमस्कार उदय भान जी, स्वागत है खबर अभी तक पर। नमस्कार, धन्यवाद जी सर। सर, कुमारी शैलजा का बयान पहले आया, अब किरण चौधरी का बयान आपने भी सुना। एक तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मैंने तो आपका उदय भान का समर्थन किया था कि इनको अध्यक्ष बनाना चाहिए, लेकिन आप उनसे बात ही नहीं करते, ना कुछ सलाह मशवरा करते हैं, ना कुछ पूछते हैं, वो विधायक हैं, इस तरह का उन्होंने एक जिक्र किया है और कहीं ना कहीं अपने दिल की खलिश का बयान किया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमेशा हमने पूरा सम्मान दिया है और हमेशा बुलाया है। कई बार जो विधायक दल की मीटिंग, जैसे विधायकों की कोई बात होती है तो विधायक दल की तरफ से जो हमारे डिप्टी लीडर है आफताब अहमद जी, उनकी तरफ से उनको हर बार टेलीफोन किया गया है। कई बार मैंने भी फोन किए हैं पहले, लेकिन कई बार जब ये हो गया कि हाँ उनको फोन कर दिया है सभी विधायकों को, तो कई बार उनको सूचना नहीं मिल पाई होगी। अलग बात अगर वो ये चाहते हैं कि भाई अध्यक्ष ही मुझे फोन करे हर मीटिंग में, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने आप पर एक और आरोप लगाया कि आप सबको साथ लेकर नहीं चलते, एक तरफा काम हो रहा है। कुमारी शैलजा की तारीफ करें कि वो सबको पूछती थी, सबको बुलाती थी, सबसे सलाह मशवरा करती थी। हाँ, तो देखो ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे जी, और कोई अगर कोई शिकायत है मेरे बारे में तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे करें, हाईकमान पे करें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है किसी भी तरह का। मैं सबको साथ में लेकर के चलता हूँ और सबको सम्मान देता हूँ, और मेरे अंदर पूरा शैलजा जी बहन जी के प्रति बहुत पूरा सम्मान है, इनका बहन जी करण चौधरी के प्रति पूरा सम्मान है, और उनको पूरा सम्मान हम देते हैं, हर चीज में पूछते हैं, और उनको किसी तरह की कोई इसमें कोई है तो मेरे को भी कह सकते हैं, कोई जो ने या कोई कहीं पर कोई कमी है तो मेरे को बता सकते थे। और जो ना ये मीडिया का मैटर नहीं है, ना यहाँ पर मीडिया पर बहस की बात है जी, और इस चीज का और आगे विशेष ध्यान रखेंगे। और मेरे तो यही सलाह मशवरा है कि बजाय प्रेस में मीडिया में जाने के, किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपना। उदय भान जी, उन्होंने एक बात और कही है कि बहुत से लोग पार्टी में ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं पार्टी में न रहूं, पार्टी से निकल जाऊं, तो आप पार्टी के सर्वे सर्वाए हरियाणा के अंदर आप जांच करवाएंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो नहीं चाहते किरण चौधरी पार्टी में न रहें? ऐसा कोई बात है तो अगर कोई है तो वो हमें बताएं, लिख के बताएं या वैसे बताएं कि भाई कौन ऐसे वो लोग हैं जो उनको पार्टी से निकालना चाहते हैं जी, कौन है जो लोग जो साजिश करता है। अब साजिश करता है कोई जो ना, या तो उसके बारे में कोई वो कोई प्रूफ होगा तो अवश्य उस पर एक्शन लिया जाएगा। कोई मेरे से बाहर की बात होगी तो उसको हाईकमान पर जाएगी बात, वो हाईकमान उसका होगा। तो ये जो है ना, ये बात जो कहना मीडिया में जी, मैं इसको सर्वथा अनुचित मानता हूँ। उन्हें कोई बात करनी है इस तरह की, अगर कोई ऐसा आदमी है तो वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर पार्टी हाईकमान को कहें, और कोई जो मेरे लेवल का है तो मुझे बताएं, उनके कोई नोटिस में ऐसी कोई चीज आई है, ऐसा कुछ नहीं है। सबको जो ना पूरा मान सम्मान। आपको आपको ऐसा लगता है कि मीडिया में बने रहने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए किरण चौधरी ऐसा बयान दे रही है? करना चाहता, और हमारे सीनियर लीडर है, हम ये चाहते हैं कि हम आपस में मिल बैठ करके कोई जो मतभेद होंगे वो दूर कर लिए। एक सवाल और है सर, एक धड़े की बात वो कर रही थी कि मैं भी कोशिश कर रही हूँ, दूसरा धड़ा भी कोशिश कर रहा है कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए, दूसरे धड़े को ये ना लगे कि हमारी आवाज दबी हुई है, हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये उनकी अपनी सोच है, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ कोई धड़े बंदे नहीं, सारी कांग्रेस एक जी। बहुत शुक्रिया उदय भान जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष हरियाणा में, कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान का बयान कि हमारे यहाँ कोई धड़ा नहीं है, ये किरण चौधरी की सोच है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई बात है तो वो हमें बताएं, मीडिया में इस तरह की बयानबाजी उचित नहीं है। किरण चौधरी ने काफी सवाल उठाए, कांग्रेस की गुटबाजी की जो बात होती है उनकी इस बात से फिर से इस बात को मजबूती मिली है।
और उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि कांग्रेस में जो दूसरा धड़ा है वो भी कांग्रेस को मजबूत कर रहा है, उनको ऐसा ना लगे कि उनकी आवाज नहीं उठ रही, तो मैं ऐसे लोगों के साथ में खड़ी हुई हूं और मैं कांग्रेस को मजबूत कर रही हूं। तो उदय भान ये कह रहे हैं कि हम सबको साथ में लेकर चल रहे हैं और अगर उनको कोई परेशानी है तो हमें बताएं। किरण चौधरी ने यह भी कहा कि पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि मैं कांग्रेस में रहूं, तो कांग्रेस अध्यक्ष ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी बात है कौन लोग हैं बताइए जो नहीं चाहते आपको कि आप कांग्रेस में रहें। तो कांग्रेस पार्टी में बयानबाजी, वार पलटवार, हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ये कह रहे हैं किस तरह की बयानबाजी मीडिया में नहीं होनी चाहिए। किरण चौधरी अपनी बात बार बार रख रही है, उन्होंने हैरानी भी जताई थी पिछली बार उदय भान के बयान पर। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, खबरें अभी तक पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बयान, बड़ा बयान, और उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत हो तो बात करें किरण चौधरी, ऐसे मीडिया में बात करना उचित नहीं, मैं सबको साथ लेकर चलता हूं। एक अहम खबर, हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की जो खबरें हैं वो हावी, और उस बीच किरण चौधरी का बयान, किरण चौधरी के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का पलटवार, और उनका एक बयान भी है वो भी आपको सुनाते हैं। हालांकि फोन पर आपने बातचीत सुनी, उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी बाइट है वो भी सुनते हैं एक बार। नहीं चाहता हो कि करण चौधरी पार्टी में रहे, पार्टी के वो वरिष्ठ नेता हैं, उनका एक प्रदेश में विशिष्ट स्थान है, उनका हम सब सम्मान करते हैं और हमारा कोई किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, और ना ही मेरा कोई इरादा था कि कोई, जो मैंने जो कहा था कि किस हैसियत से बुलाते, मतलब किस कैपेसिटी में बुलाते, वो एक पद की बात थी,